शम्बरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः शांति शांति ही। सोते हुए भी हम विभिन्न विचारों को करते रहते हैं, स्वप्न देखते रहते हैं और वो भी भिन्न भिन्न विषयों के होते हैं। आत्मा अपने से संबंधित और अन्य व्यक्तियों से संबंधित और विभिन्न देशों से संबंधित वो विचार जैसे ही, चिंतन जैसे ही होते हैं। अर्थात सुप्त अवस्था में भी मन सक्रिय रहता है और ये मन कैसा है? दैवम, देव के लिए अर्थात आत्मा के लिए वो हितकर है। आत्मा का वो सबसे मुख्य साधन है, आत्मा के हित की दृष्टि से ही उसे बनाया गया है। तो मन जो जागृत अवस्था में भिन्न भिन्न विषयों का चिंतन करता है और सोते समय भी विभिन्न विषयों का चिंतन करता है, ये सब आत्मा के हित के लिए करता है। इस सब में आत्मा का हित होता है। बहुत सारे विषय हमें विचारने होते हैं, निर्णय लेने होते हैं, वो बिना मन के नहीं हो सकते, बिना अंतःकरण के नहीं हो सकते। इसलिए दिन में तो हमें उसकी आवश्यकता प्रतीत होती ही है, लेकिन स्वप्न अवस्था में भी, निद्रा अवस्था में भी जो हमारे विचार चलते रहते हैं, हम विभिन्न दृश्यों को देखते हैं, विभिन्न घटनाओं को घटित होता हुआ जैसा देखते हैं, वो भी हमारे मन के लिए, हमारे अंतःकरण के लिए उत्तर होता है। ये उसका कार्य है। जिन चीजों का विचार और विश्लेषण हम दिन में नहीं कर पाते, वो रात को भी चलता रहता है। और जिन चीजों को हम दिन में अभिव्यक्त नहीं कर पाते, वो बहुत सी चीजें रात्रि में अभिव्यक्त हो जाती हैं, वो प्रकट हो जाती हैं। यदि कोई मनुष्य निद्रावस्था में स्वप्न न देखे तो वो स्वस्थ नहीं कहलाता, वो स्वस्थ रह भी नहीं सकता। वैज्ञानिकों के अनुसंधान ये हैं कि स्वप्न तो सबको आते हैं, पशुओं पे भी प्रयोग किए गए, वे भी स्वप्न देखते हैं और नई खोज ये है कि जिनका आईक्यू अधिक होता है, अधिक बुद्धिमान होते हैं, अंतःकरण जिनका अधिक सक्रिय होता है, प्रखर होता है, उनको स्वप्न अधिक आते हैं। जो मंद बुद्धि होते हैं, कम बुद्धि वाले होते हैं, उनको स्वप्न कम आते हैं। अर्थात जिनका मन मस्तिष्क दिन में अधिक सक्रिय रहता है, उनका निद्रा काल में भी अधिक सक्रिय रहता है। बहुत सारे ऐसे समाधान होते हैं जो हमें रात्रि में, रात्रि से उठने के बाद में उसका समाधान मिलता है। हम विभिन्न समस्याओं को सोचते हैं, समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, विचार करते हैं, विचार करते करते हम सो जाते हैं थक करके, और सुबह उठते हैं तो सुबह उठते ही समाधान हमें प्रतीत हो जाता है, अपने आप जैसे समाधान आ गया अथवा कुछ देर बाद में आ जाता है। ये कैसे हो पाता है? क्योंकि जो कार्य हमने दिन में मस्तिष्क को, मन को दिया है, वो अंदर भी करता रहता है, चलता रहता है। परमात्मा ने मन को बनाया ही ऐसा है कि वो सुप्त अवस्था में भी दूर दूर तक जाता है, भिन्न भिन्न विषयों को सोचता है। ये उसका स्वभाव है, परमात्मा ने ही उसको ऐसा बनाया। अनेक बार दुःस्वप्नों से बचने की कामना हमारी रहती है और वो होनी भी चाहिए,
लेकिन उसके साथ साथ एक भावना और जुड़ जाती है कि हमें कोई भी स्वप्न ना आए और हम इसी चिंता में लग जाते हैं कि मुझे स्वप्न आया इसका मतलब है नींद ठीक नहीं आई और उसी की चिंता करते रहते हैं। विचार तो निद्रा में आएंगे, ये उसका स्वाभाविक स्वरूप है। हमें अधिकांश स्वप्न स्मरण नहीं रहते, उठते ही हम उनको भूल जाते हैं। रात्रि में भले ही स्वप्न देख रहे हों, ये तो हमें ध्यान आता है कि हम कुछ स्वप्न देख रहे थे, लेकिन क्या देख रहे थे वो ध्यान नहीं रहता। लेकिन जो गहरे स्वप्न होते हैं, गंभीर होते हैं, वो उठने के बाद भी ज्यों के त्यों ध्यान रहते हैं, लेकिन सब नहीं रहते। अधिकांश स्वप्नों को हम उठने के बाद में स्मरण नहीं रख पाते, तो ये प्रक्रिया तो वहां चलती ही है। आयुर्वेद में निद्रा को स्वप्न शब्द से ही कहा गया। निद्रा भी नाम है, लेकिन उसका एक नाम स्वप्न भी है। जिस स्वप्न को हम सपने या विभिन्न मानसिक घटनाओं के रूप में देखते हैं, विचार के रूप में देखते हैं निद्रा काल में, उसका नाम स्वप्न रखा गया। लेकिन भेद भी हमारे यहां शास्त्रों में मिलता है। एक सुषुप्ति होती है जो गाढ़ निद्रा है, जिसमें कि स्वप्न नहीं आते, और एक निद्रा का वो भाग है जिसमें स्वप्न आते हैं। ये दोनों अनिवार्य है, और आधुनिक विज्ञान से भी ये बात पुष्ट होती है कि हम बीच बीच में स्वप्न देखते हैं, फिर सुषुप्ति में चले जाते हैं गाढ़ निद्रा में, फिर स्वप्न देखते हैं, फिर गाढ़ निद्रा में चल जाते हैं। इसके अपने क्रम चलते हैं, व्यवस्था से वो चलता रहता है, अलग अलग चरण चलते रहते हैं। अरे ये सब में होता है। तो ये सामर्थ्य परमात्मा ने मन में दी है, वो ऐसा ही चलेगा। तो यज जाग्रतो दूरम उदयति दैवम तत् उ सुप्तस्य तथै वैति। लेकिन ये मन कब आत्मा का हितकारी हो, परमात्मा ने तो आत्मा के हित के लिए ही बना करके दिया है, लेकिन ये आत्मा का हमारा अहित भी कर सकता है, उसी के लिए यहां पर प्रार्थना की गई। तो हमारा मन सदा दैव हो, आत्मा के लिए हितकर हो। मन के लिए और बात कही, दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योति ही एकम। वो मन एक ही है, हमारे एक एक शरीर में एक एक मन है। बहुत से व्यक्ति मन के विभिन्न विचारों को देखते हुए ऐसा कथन करते हैं कि जैसे बहुत सारे मन हो, एक मन जाने का कर रहा है, एक मन न जाने का कर रहा है, असमंजस की स्थिति। तो वहां मन का मतलब मात्र विचार होता है, इसका यह मतलब नहीं कि अनेक मन अंदर हो। वेद का स्पष्ट निर्देश है कि मन तो एक ही है, लेकिन उसके विचार भिन्न भिन्न होते हैं। कभी एक विचार प्रबल होता है, कभी दूसरा विचार प्रबल होता है, क्योंकि उसको वैसा ही ज्ञान है अंदर। उसके अंदर जो ज्ञान का संस्कार पड़ा हुआ है, छाप पड़ी हुई है, वो दोनों तरह की है। उस कार्य में हित भी देख रहा है, लाभ भी देख रहा है, और कुछ हानि भी देख रहा है। इसलिए जब जिसका पलड़ा भारी होता है उस तरफ झुकने लगता है, अथवा दोनों तरफ देखता है तो दोनों तरह की बातें मन में आती रहती हैं। तो वो एक है, साथ ही कहा वो एक मन दूरंगमम, दूर दूर तक जाने के स्वभाव वाला है। दूर दूर की सोचता है, दूर दूर के विषयों को उठाता है, ये उसका स्वभाव है। यदि मन दूर दूर की बातों को न सोचता हो, भिन्न भिन्न विषयों को न सोचता हो, तो ये हमारे लिए उतना हितकारी नहीं हो सकता था। मन का ये गुण, दूर दूर तक जाना, दूर दूर के विषयों को सोचना, देश की दृष्टि से और काल की दृष्टि से भी, महर्षि ने भाष्य में लिखा है कि जो भूतकाल, भविष्यत काल और वर्तमान काल तीनों का जाता है,
काल की दृष्टि से भी दूर दूर की बातें, पिछली बातें और भविष्य की बातें इसके द्वारा स्मरण की जाती हैं, विचार की जाती है, और वर्तमान की तो हम करते ही हैं। यदि मन में ये गुण स्वभाव न होता तो हमारे लिए हितकर नहीं हो सकता था। तो दूरंगमम आगे कहा, ज्योतिषाम ज्योति, जो प्रकाशक हैं उनको भी प्रकाशित करने वाला, उनको भी जनाने वाला ये है। ज्योतियों का अर्थ करते हुए महर्षि लिखते हैं, एक तो सूर्य आदि, ये भौतिक ज्योति जिनकी है, भौतिक प्रकाश जिनमें है, उनको जनाने वाला, जितने भी चमकदार लोक लोकांतर हैं उनका ज्ञान मन के माध्यम से हो सकता है, इसलिए ये उन ज्योतियों की भी ज्योति है। दूसरा ज्योति का अर्थ किया इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां भी ज्योति स्वरूप हैं क्योंकि वो हमें ज्ञान कराती हैं, उनका भी जानने वाला ये मन है, उनको भी जानता है, ज्ञानेन्द्रियों से जो हमें प्राप्त होता है उसको वो जानता है और आत्मा तक पहुंचाता है। और तीसरा कहा अग्नि, अग्नि ज्योति है, जो भी ऊर्जा प्रकाश की स्थितियां हैं उन सबको भी ये जानने वाला है। तो अग्नि, सूर्यादि और श्रोत्रादि इंद्रिय, इन प्रकाशकों का भी जो प्रकाशक है, अर्थात मन के बिना किसी पदार्थ का प्रकाश कभी नहीं होता, एक बड़ा सिद्धांत बताया। बिना मन के आत्मा इन सब चीजों को नहीं जान सकता, ये मन आवश्यक है उसके लिए। आगे महर्षि लिखते हैं, वह एक बड़ा चंचल वेग वाला मन, मन एक है और बड़ा चंचल है, बहुत अधिक गतिशील है और वेग वाला भी है, बड़ी तीव्रता से चिंतन करता है, बड़ी तीव्रता से एक विषय से दूसरे विषय तक जाता है, ऐसा मन आपकी कृपा से स्थिर हो जाए, जिस विषय में हम टिकाना चाहते हैं उस विषय में टिक सके। यद्यपि चंचलता उसका एक दुर्गुण प्रतीत होता है, उसकी गतिशीलता है, गतिशील तो वो है, गतिशीलता की उसकी सामर्थ्य है और वो होनी भी चाहिए, लेकिन जब हम जिस विषय पर रोकना चाहें वहां वो रुक भी सके, इसलिए कहा कि वो स्थिर हो, शुद्ध हो, दुर्भावनाओं से रहित हो, धर्मात्मा हो, धर्म की तरफ बढ़ने की ही जिसकी प्रवृत्ति हो, और विद्या से युक्त भी हो, ज्ञान से युक्त भी हो, ऐसा होते हुए ये आत्मा के लिए भूत भविष्य और वर्तमान काल का ज्ञाता बनता है। तो परमात्मा से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा मन इस प्रकार का रहे, हम भी स्वयं प्रयत्नशील हैं। महर्षि लिखते हैं, वह आपके वश में ही है, ये मन परमात्मा ने हमें दिया है, हमारा वो साधन है, लेकिन एक दृष्टि से वो परमात्मा के वश में है, परमात्मा ने उसको जिस ढंग से बनाया और परमात्मा उसको जिस तरह परिवर्तित करना चाहता है कर सकता है, वो परमात्मा के नियंत्रण में तो है ही। जैसे समस्त कार्य जगत परमात्मा के नियंत्रण में है, ऐसे मन भी परमात्मा के नियंत्रण में है, और इसी कारण हमारी इच्छा के अनुरूप वो कार्य कर पाता है, हम जैसा चाहते हैं उस तरह का कार्य वो करता है। तो परमात्मा के वश में है और हम प्रार्थना कर रहे हैं उसको आप हमारे वश में यथावत करें। परमात्मा का सहारा लेने पर ही हम अपने मन को अपने वश में कर सकते हैं, और परमात्मा से हम ये चाह रहे हैं कर्म के फल के रूप में कि हमारा मन ऐसा रहे, उसमें ऐसे ही संस्कार उभरे जैसा मैं चाहता हूं, अन्य संस्कार ना उभरे जिससे कि मैं अन्य तरफ गलत तरफ चला जाऊं। तो महर्षि ने इसमें लिखा, जिससे हम कुकर्म में कभी न फंसें और सदैव विद्या, धर्म और आपकी सेवा में ही बने रहे। यदि मन पर परमात्मा के अनुरूप नियंत्रण न हो तो ये
प्रथम दृष्टया जिन विषयों में सुख दिखाई देता है उसी तरफ जाएगा। जिस प्रकार से इंद्रियां उसी प्रकार से मन, प्राथमिक दृष्टि से ये उसी तरफ जाएगा जो चीजें इनको आकर्षित करती हैं, उत्तेजित करती हैं, सुख देती हैं। तो कुकर्म से बचते हुए तीन बातें महर्षि ने लिखी, विद्या, धर्म और आपकी सेवा में ही रहे। तो विद्या ये ज्ञान हुआ, धर्म ये कर्म हुआ, और आपकी सेवा में रहे अर्थात उपासना आपकी ही करता रहे। इतना महत्वपूर्ण मन, उसके लिए हमें बार बार ये सोचना होगा कि ये मेरा मन शिव संकल्प वाला हो। मन की चंचलता को देख करके और साधना में मन को रोकने की बात का उल्लेख देख करके अनेक व्यक्ति ये मान बैठते हैं कि मन तो बिल्कुल एक ही स्थान पर टिका रहना चाहिए, परमात्मा में ही लगा रहना चाहिए, आत्मा में ही लगा रहना चाहिए, बाहर के किसी विषय में नहीं जाना चाहिए। ऐसा कोई कर नहीं सकता। दिन भर के व्यवहारों को देखेंगे तो पूरे दिन में ऐसा कोई नहीं कर सकता, और ऐसा कोई करे तो उसका जीवन भी नहीं चल सकता। जब परमात्मा पे टिकाना है तो परमात्मा पे टिक सके, आत्मा पे टिकाना है तो आत्मा पे टिक सके, और जब व्यवहार कर रहे हो तो बाहर के विषयों के साथ भी वो संबद्ध हो सके, उसी विषय से जुड़ सके, ये हमारे लिए आवश्यक है। मन चंचल होते हुए कुमार्ग पर ना जाए, कुचेष्टा ना करे, केवल यही हमें रोकना है। ये बहुत सक्रिय है, बहुत बलवान है, इसका हमें सदुपयोग करना है, ठीक जगह पर प्रयोग करना है और इससे अपना हित साधना है, यही इसका नियंत्रण है। और उसी के लिए यहां पर प्रार्थना की गई, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तो चूंकि इस मंत्र में मन के बारे में चर्चा की गई, इसलिए इस मंत्र का देवता मन है। मन के बारे में ही सारा वर्णन है, देवता मंत्र का विषय होता है, और इस मंत्र का ऋषि है शिव संकल्प। शिव संकल्प शब्द यहां मंत्र में भी पढ़ा है, लेकिन जो ऋषि शिव संकल्प है उसका मतलब है जिसके संकल्प शिव हो गए हैं, शिव है संकल्प जिसके, ऐसा वो व्यक्ति जिसने इस मंत्र का साक्षात्कार किया, इसको समझा कि मन गतिशील है और गतिशील रहेगा, स्वाभाविक रहेगा, हमें उसको केवल शिव संकल्प वाला करना है, उसको ठीक रास्ते पे लाना है और परमात्मा की सहायता से लाना है। जब परमात्मा का स्मरण रहेगा, परमात्मा के आदेशों का स्मरण रहेगा, तो ये मन शिव संकल्प वाला धर्मयुक्त बनेगा और निरुपद्रव बनेगा। तो कोई भी व्यक्ति जो पहले हो चुके वो ऋषि, या वर्तमान के या भविष्य में इस मंत्र का साक्षात्कार करके उसी तरह से अपना ज्ञान बनाते हुए चलेंगे तो वो शिव संकल्प वाले बन जाएंगे, और वो व्यक्ति इस मंत्र के दृष्टा कहलाएंगे, ऋषि कहलाएंगे। तो परमात्मा की कृपा है, उसने हमें ऐसा मन दिया और हम अपने मन का ठीक भली प्रकार उपयोग कर सकें, ये भाव हमारे मन में सदैव बना रहे। मंत्र की भावना रखते हुए ओम का उच्चारण, ओ